गुरुजी, दीपावली का त्यौहार नजदीक है, तो हमें किन चीजों से परहेज करनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए जो अशुभ होती हैं? जी बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे उपयोग में आने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में और हमारे शरीर में। हम शरीर में कपड़े भी पहनते हैं, घड़ी भी पहनते हैं और अन्य अन्य चीजों का उपयोग भी करते हैं, जैसे हमारे चलने वाले वाहन हैं, कुछ भी है। तो जो रुक चुका है, जो अवरोधित हो चुका है, उससे हमारा समय की गति रुक जाती है। जैसे घड़ियां हो गई या साइकिल है, यदि बिगड़ी हुई है तो उसे तो कबाड़ में डालें या बाहर निकाल के फेंक दें, या घड़ी हमारी बंद है तो उसको बनवा लें, अन्यथा उसे बिल्कुल पूर्ण रूप से निकाल दें। यदि फटे पुराने कपड़े हैं तो उसमें वास्तु दोष बन जाता है, इसलिए उसे निकाल देना चाहिए, अन्यथा उसे हमें क्षति होती है। उसमें 9 का 9 गुणा करके उसके कई भाग बनाए जाते हैं, तो उसमें देव बाधा, शरीर बाधा स्वयं के लिए और पितृ बाधा बनती है, जिसके कारण हम नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो भी टूटा फूटा सामान हो और जो भी अनुपयोगी है, उसे घर में कचड़े की तरह रखने की बजाय हर कोने को साफ करके, शुद्ध करके अपने घर को सजा देना चाहिए और उन्हें बाहर कर देना चाहिए। इससे हमें भगवान की कृपा और सतलक्ष्मी का कृपा प्राप्त हो जाएगी और उनका वास हो जाएगा।